हेलो दोस्तों, हम लोग मीटिंग रिट्रीट रिहर्सल फुल रिहर्सल देखने के लिए विजय चौक जा रहे हैं। आगे क्या हाल हम वहां से बताएंगे आपको। थैंक यू। विभिन्न बिंदुओं पर हेल्प डेस्क स्थापित किए जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस द्वारा चयनित में जारी। दिल्ली पुलिस आपका हार्दिक स्वागत करती है। नमस्कार, कृपया सभी मीटिंग रिट्रीट में जाते समय का जोगिंदर सिंह की एक से बटालियन की प्लाटून ने गुमला अरुणाचल प्रदेश में चीनी सैनिकों के दो आक्रमणों को विफल कर दिया, जिसमें शत्रु को भारी क्षति पहुंची। उनकी प्लाटून के तब तक आधे जवान शहीद हो चुके थे। सूबेदार जोगिंदर सिंह बुरी तरह घायल हो गए थे, परंतु उन्होंने उन्हें तीसरी बार आक्रमण किया, तब भी उनके प्रेरणादायक नेतृत्व में उनकी प्लाटून अपने स्थान पर ही डटी रही। सूबेदार जोगिंदर ने स्वयं एक मशीन गन को संभाला और अनेक शत्रु सैनिकों को मार गिराया। आखिर का गोला बारूद समाप्त हो गया। सूबेदार जोगिंदर ने अपने जवानों को प्रेरित किया और संगीनों की लड़ाई में उनका नेतृत्व दिया, तथा इस महासंग्राम में संख्या में अधिक शत्रु सैनिकों से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। अदम्य शौर्य, प्रेरणादायी नेतृत्व, अद्भुत साहस और सर्वोच्च बलिदान के लिए सूबेदार जोगिंदर सिंह को मरणोपरांत परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया। सोच से विदेश मेरी रफ्तार है, बादलों में गूंजती है जो वो मेरी ललकार है, गैरत इज्जत हिम्मत मेरे हथियार है, मेरे हथियार है। बहादुरी बंदूक है मेरी, हौसला मेरी तलवार है, मुल्क पे मर मिटूंगी यही मेरा बलिदान है। भारत की बहादुर बेटी हूँ मैं, मेरी रग रग में हिंदुस्तान। फूलों की सेज नहीं कांटों का दामन चुना है, ऐशो आराम नहीं चुनौतियों भरा जीवन चुना है। गांव या शहर नहीं जल थल गगन चुना है, रिश्ते
5, 4, 3, 2, 1. आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप अपना अपना स्थान ग्रहण करें। माइक टेस्टिंग चेक 1, 2, 3, 4। उन्होंने अकेले ही शत्रुओं का सामना किया, जिससे डरकर हमलावर भाग खड़े हुए। अदम्य साहस और अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की बिल्कुल परवाह न की गई और हथगोले फेंके गए। उनकी टुकड़ी के आधे से अधिक सैनिक मारे गए या घायल हो गए। सीएचएम वीरू सिंह ने अपने बचे हुए जवान देवियों और सज्जनों, विजय चौक का शानदार दृश्य, आप सबकी उपस्थिति और पूरा वातावरण उत्सुकता की चादर ओढ़े है। अब से कुछ ही देर में भव्य समारोह बीटिंग रिट्रीट प्रारंभ होगा। आज के कार्यक्रम का आयोजन स्थल अब से थोड़ी ही देर में सैन्य संगीत के जादू का विशाल मंच बन जाएगा। आज का कार्यक्रम सैन्य संगीत का भव्य समारोह है और इसी भव्यता में विकसित भारत की रोशनी से चमकते सभी भारतवासियों का एक बार फिर पूर्ण एक शानदार और भव्य समारोह बीटिंग रिट्रीट। बीटिंग रिट्रीट एक प्राचीन सैन्य प्रथा है जो कि उन दिनों से चली आ रही है जब सैनिक सूर्यास्त के समय युद्ध से विमुख हो जाते थे। भारत के पौराणिक महाकाव्य महाभारत में भी उल्लेख है कि जब शाम को युद्ध के मैदान पर बिगुल बजाया जाता था, तब सेनाएं युद्ध का समापन कर अपने अपने शिविरों को लौट जाती थी। वर्तमान में रिट्रीट की धुन बजते ही राष्ट्र ध्वज को उतार कर बड़े सम्मान के साथ ले जाया जाता है और इस दौरान सावधान खड़े रहने की परंपरा है। आज भी बिगुल के द्वारा रिट्रीट की धुन बजाई जाएगी और राष्ट्र ध्वज बड़े ही सम्मान के साथ उतारा जाएगा। जब बिगुल से रिट्रीट की धुन बजाई जाएगी, तब आप सभी से निवेदन है कि आप अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं एवं वर्दीधारी सैल्यूट करें। अब हम ड्रमधारी सैल्यूट करें। फिर समारोह की शुरुआत पाइप एवं ड्रम बैंड, कंबाइन आर्म पुलिस फोर्स बैंड, एयरफोर्स बैंड, नेवी बैंड और आर्मी बैंड की मार्चिंग से होगी, जो आज यहाँ विभिन्न फॉर्मेशन बनाते हुए सैन्य संगीत के माध्यम से एएमसी ट्रेनिंग कॉलेज एवं सेंटर के सूबेदार मेजर राजेंद्र सिंह बैंड मास्टर के नेतृत्व में पाइप्स एंड ड्रम बैंड्स मिसाइल चक्रव्यूह वसुधैव कुटुंबकम तथा टैंक की फॉर्मेशन यहां प्रस्तुत करेंगे। पाइप्स एवं ड्रम बैंड की मनमोहक प्रस्तुति के बाद देवी और सज्जन कंबाइंड आर्म पुलिस फोर्स बैंड का दस्ता कांस्टेबल जीनी रानी देवी के नेतृत्व में भारत के जवान धुन के साथ एंट्री करेंगे। फिर हथरोही की धुन में स्लो मूवमेंट करेंगे और विजय भारत नामक धुन पर एग्जिट करेंगे। उसी के साथ एयरफोर्स बैंड का दस्ता वारंट ऑफिसर अशोक कुमार विशिष्ट सेवा मेडल के नेतृत्व में साउंड बैरियर धुन पे ट्विन डायमंड ब्रिगेड फॉर्मेशन, स्वदेशी की धुन पे टैक्टिकल मेज पेट्रोल फॉर्मेशन डायमंड फॉर्मेशन और रिजॉइस इन रायसेना
धुन पे अपाचे हेलीकॉप्टर एवं राष्ट्रपिता हम सबके प्रिय बापू की आकृति आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। इसके बाद नेवल बैंड मास्टर पेटी ऑफिसर म्यूजिशियन एंथनी राज के नेतृत्व में आईएनएस विक्रांत, महात्मा गांधी नारी शक्ति, लाइट हाउस मिशन, चंद्रयान जैसी विभिन्न फॉर्मेशन का प्रदर्शन करेंगे। देवी और सज्जनों, भारतीय नौसेना की प्रतिभाशाली प्रस्तुति के तुरंत बाद सुबेदार मेजर मोतीलाल बैंड मास्टर डोगरा रेजिमेंटल सेंटर के नेतृत्व में आर्मी बैंड फौलाद का जिगर धुन पर स्टैचू ऑफ यूनिटी की आकृति, ज्योस्तुते धुन पर चंद्रयान की आकृति, ताकत वतन की धुन पर सूर्य की आकृति, अग्रणी भारत की धुन पर आर्मी इंसिग्निया की आकृति और कारगिल विजय को वाद्य यंत्रों से एक निखिल धुनों पे क्विक मार्च के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। नई सदी में नए उल्लास, नए जोश से भरे भारत से आप सबको रूबरू कराएंगे। एडी कॉम हमारे समक्ष पधार चुके हैं। देवी और सज्जन, आज के कार्यक्रम के प्रिंसिपल कंडक्टर है लेफ्टिनेंट कर्नल बिमल जोशी। देवी और सज्जनों, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल आर हरिकुमार, पीवीएसएम, एवीएसएम, वीएसएम, एडीकॉम हमारे समक्ष पधार चुके हैं। Ladies and gentlemen, Chief of Army Staff, General Manoj Pandey, PVSM, AVSM, VSM, ADCOM has just arrived. Ladies and gentlemen, Chief of Defence Staff, General Anil Chauhan, PVSM, UISM, AVSM, SM, VSM, हमारे समक्ष पधार चुके हैं। अजय भट्ट जी का आगमन, माननीय रक्षा राज्यमंत्री, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एवं तीनों सेनाओं के सेनाध्यक्ष से मिलते हुए अब हम प्रतीक्षारत हैं देश के माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी के, जो कुछ ही पलों में हमारे मध्य पधारेंगे। आगमन। Thank you.
रेमेडी। में भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन होगा। आपसे निवेदन, उनके आगमन पर ससम्मान खड़े हो जाएं। कुछ ही पलों में भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे मध्य उपस्थित होंगे। देवी और सज्जनों, भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन गौरवशाली पल। ये समय होगा जब यहाँ एक उत्सव का माहौल होगा, आप सबकी तालियों की गड़गड़ाहट के बीच। माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने के लिए देश के रक्षा मंत्री, रक्षा राज्य मंत्री, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ तथा तीनों सेनाओं के सेनाध्यक्ष उपस्थित। पृथ्वी पर अनेकों सागर महाद्वीप है, पर भारत एक अद्भुत द्वीप है। पिछले 76 वर्षों में भारत ने लांघे अनेकों शिखर हैं, विश्व के अनेकों पटल पर भी अब भारत है सबसे आगे। इस नव युग में आगे बढ़कर भारत ने रचे नए आयाम। विकसित भारत का नारा लगाए चले हम सब भारतवासी तमाम। उन्नति 76 वर्षों से अधिक अगले 24 में करेंगे। अमृत काल में देश की सूरत हम सब मिलकर बदलेंगे। अमृत काल में देश की सूरत हम सब मिलकर बदलेंगे। अब कुछ ही पलों में भारत के माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ का आगमन होगा। आज नई जागरण, नई किरण है, नई प्रगति, नया सृजन है। आज नई सदी के द्वार खड़े हैं। आज दिए इरादे बड़े बड़े, नई शक्ति कर रहे वरण हम। आज प्रश्न देश की रक्षा का या आंतरिक सुरक्षा का प्रहरी सबक सजग हर क्षण हम। आज नई जागरण, नई किरण हम, नई प्रगति, नया सृजन हम।
आज का भारत है वो भारत है जो कुशल है, साहसी है और झंझाओं से नहीं घबराता है, जो विघ्न और बाधाओं से लड़ आगे ही आगे बढ़ता जाता है, जो सदा साहसी बन अपनी राह स्वयं बनाता है, जो अपने शौर्य बुद्धि विवेक से ग्रह के नियम भी बदल देता है और जो तन मन से संकल्प वचन निभाता है और जो तन मन से संकल्पित वचन निभाता है। भारत के गौरव को विश्व विख्यात करें, भारतीय रक्षा सेनाओं प्राचीन काल से भारत के गौरव को स्वर्णिम अक्षरों में रेखांकित किया। युद्ध भूमि हो या प्राकृतिक आपदा हो या फिर राष्ट्र निर्माण, भारतीय सेनाएं सदैव तत्पर हैं राष्ट्र रक्षा के लिए। भारतीय सेना के शूरवीरों की वीरता हर भारतीय का गौरव है। भारतीय रक्षा सेनाएं भारत मां के वो वीर सपूत हैं जिनकी ललकार सुन दुश्मन थर्राता है, सिंहों जैसा जिनको नाद मिला, जोश जुनून सत्य शौर्य वीरता से भरे ये जाबाज सेनानियों को तो विजय शक्ति वरदान मिला है। ये वो वीर पुत्र है जो बर्फीली चोटी पर रह के सारे मौसम सहते हैं, भूखे प्यासे रहकर लड़ते हैं पर अपनी पीर कभी नहीं कहते हैं, सीने पर हंस गोली खाते हैं, पीठ दिखाकर ये नहीं भागते हैं। हमेशा से हमारे देश की थल सेना, वायु सेना, नौ सेना और अन्य सुरक्षा बल सेनानी अदम्य राष्ट्र के लिए अखंड भक्ति और प्रचंड शक्ति से देश को विकास की चरम सीमा की ओर अग्रसर कर रहे हैं। आज भारत की सेनाएं नए विचारों की असीम चेतना को जगा रही है, हर विपत्ति में प्रबल उदारता दिखा रही है। अतः मातृभूमि तेरे चरणों में अपना शीश ये झुकाते हैं, सुनकर पुकार सदैव हंसकर बलिवेदी पर अपने प्राण चढ़ाते हैं। दुनिया के सबसे ऊंचे रण क्षेत्र सियाचिन की वीरान बर्फीली चोटियों के -50 डिग्री तापमान से लेकर रेगिस्तान के जलते तपते रेत के बीच और दूर आसमान में 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गगनभेदी उड़ान भर के लड़ाकू विमानों से महासागर की गहराइयों तक हर सैनिक हर सुरक्षा बल संकल्पित है अपनी मिट्टी पर सब कुछ कुर्बान करने के लिए। हमारे यहाँ कण कण हरा बनाना, तन मन सब अर्पित कर भारत माँ का अनुपम रूप सजाना, तभी तो आज देश का हर नागरिक सुरक्षित है, अभय है और हर क्षेत्र में अपनी नई पहचान बना रहा है। आज हर नागरिक में नव निर्माण का उत्साह है, देश को आत्मनिर्भर बनाने का दृढ़ संकल्प है, देश की हर चुनौती से टकराने का हौसला है। देवियों सज्जनों, भारत के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ एवं डॉक्टर श्रीमती सुदेश धनखड़ का आगमन, आप सबसे निवेदन कृपया अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। माननीय प्रधानमंत्री उपराष्ट्रपति महोदय का स्वागत करेंगे। देशवासी, जिस देश में हम सब रहते हैं आने को देव तरसते, इस देश का कोई जोड़ नहीं, प्रतिघात का कोई तोड़ नहीं, वैभव है अपरंपार यहाँ, ऋषि मुनियों का अवतार यहाँ, किस्मत खेतों खलियानों में, मोती गेहूं जो धानों में,
शक्ति से भरी अब नारी है और अवसरों की भरमारी है और अवसरों की भरमारी है। इसी बीच देश के माननीय राष्ट्रपति अपनी बखी में विजय चौक की तरफ बढ़ते हुए माननीय राष्ट्रपति जी के आगमन का बिगलर्स द्वारा फैन फेर बजाकर संकेत दिया जाएगा। हम हिंदुस्तानियों का अंदाज थोड़ा अलग है सबसे, अंदाज ही नहीं हमारा तो एड्रेस भी अलग है। सब रहे अंबर तले और भारत वासी, वो बाग खस्ता रहे हम जिसे हिंदुस्तान कहते हैं। किधर हो राम सज्जनों, देश की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का आगमन, माननीय प्रधानमंत्री उनका स्वागत करते हुए, अन्य सभी गणमान्य विभूतियों से मिलते हुए माननीय राष्ट्रपति महोदय, और अब प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड द्वारा राष्ट्रीय सल्यूट होगा, राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा एवं राष्ट्रगान होगा। आप सबसे अनुरोध, सम्मान खड़े हो जाएं। वंदे भारत
सैल्यूट करो। Mm-hmm.
पीछे के आगे इधर माननीय राष्ट्रपति जी के अंतरिक्ष आगमन होगा।